हाय गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब ठंड जाने वाली है ना तो जो भी मेरे पास वेलवेट सूट मैंने खरीदा था ना इस बार मुझे लगा कि मैं उसके साथ ना मेकअप लुक कर देती हूँ मेरा मन भी कर रहा था ब्लैक सूट के साथ करने का तो ब्लैक नेल पेंट लगा ली मैंने सबसे पहले क्योंकि ऑब्वियस ब्लैक सूट डाला है और एक्वा कलर के लेंसेज डाल लिए डॉट एंड का यहाँ पर मैं टोनर अप्लाई करूँगी पोर मिनिमाइजिंग टोनर है तो आप इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन केयर पहले कर लिया करो जब आप मेकअप करते हो फिर गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगी मामाअर्थ का सी सीरम ये वाइटमिन सी सीरम आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में नाइट टाइम रूटीन में यूज कर सकते हो बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा हर एक स्किन टाइप को अच्छा लगेगा मामाअर्थ का वेरी लाइट वेट जो हाइड्राफी मॉइस्चराइजर है ना ये अभी जो गर्मी आने वाली है ना उसके लिए बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइजर आप देखो इसको लगाते मेरा फेस कितना हेल्दी ग्लोई डोई नजर आ रहा है उसके बाद फिर यहाँ पे मैं विश केयर की सेरामाइड लिब्बम अप्लाई करूंगी इसके अंदर एसपीएफ फिफ्टी आपको मिल जाता है विच इज अ गुड थिंग कि आपको लिब्बम में भी एसपीएफ मिल रहा है अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ना कि सनस्क्रीन लगा के मेकअप कैसे करें तो चलो सनस्क्रीन लगाएंगे उसके बाद मेकअप करेंगे तो डोमाको का मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन ले लिया है वेरी नाइस फार्मूला पता नहीं मैं 500 बार इसको बोल चुकी हूँ मुझे इसका फार्मूला इतना अच्छा लगता है मेरे फेस के ऊपर ना एकदम ग्लो ऐड हो जाता है उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी शुगर का प्राइमर प्राइमर लगाने से आपके पोर्स थोड़े से ब्लर हो जाते हैं एंड फाउंडेशन uh, लंबे समय तक आपका टिकता है और बहुत अच्छा सा ना स्मूथ बेस बन जाता है लैक मे नाइन टू फाइव में मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज करूंगी अच्छी तरह से um, डॉट डॉट कर लूंगी इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर को आप अपना बहुत अच्छा से गीला कर लो एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट कर लो मिलानी का कंसीलर लगाऊंगी सिर्फ अंडर आई एरिया पे और कहीं पे भी नहीं बस उसी को ही अच्छी तरह से स्प्रे, स्प्रेड कर लूंगी बाकी और फेस के ऊपर क्योंकि ना ये काफी हाई कवरेज कंसीलर है तो ओवर मुझे नहीं करना था कीरो के यहाँ पर मैं ब्लश ले लूँगी ये क्रीमी ब्लश है फिंगर्स के साथ लगाओ डायरेक्टली स्टिक लगा मुझे फिंगर्स के साथ लगाना ऐसे अच्छा लगता है वार्म अप करके ना लगा और क्या ब्लेंड होता है यार एकदम बटर की तरह एकदम ये ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा सा एक टिंट आ जाता है आपके फेस के ऊपर फिर मैं यहाँ पे अपने पूरे बेस को सेट कर दूंगी मेबलिन के कॉम्पैक्ट के साथ ताकि मेरा बेस अपनी जगह से हिटे हले हिटे हले नहीं मतलब हिले नहीं <laughs> और हटे नहीं बोलना चाहती थी मैं मिस क्लियर के यहाँ पे मैं आईब्रो पैलेट लूंगी और ब्राउज को फिल कर लूंगी और इसी पैलेट ब्राउज को जिस कलर के साथ फिल किया था ना सेम कलर के साथ ना आउटर वी पे ना प्लेस कर दूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये मार्स का ब्लश है ब्लश मुझे इसका ना शेड ये बड़ा पसंद आ रहा था पीच कलर सा क्योंकि जो मेरे दुपट्टा है इसके साथ सूट के साथ वो पीची स्टोन में था तो मुझे थोड़ा सा पीच ऐड करना था और ग्रीन मैंने आज काजल लगाया ब्लैक को स्किप कर दिया मामार्स का काजल ले लिया और जो आ, आईब्रो वाला कलर था ना उसको मैं नीचे लोअर वाटर लाइन पे स्मच कर दूंगी और ऊपर ज्वाइन कर लूंगी आ, ताकि एकदम स्मूथ सा लगे उसके बाद जो पीच कलर था उसको उसको भी नीचे वाटर पे लगा के उसको कर देंगे ताकि स्मूथ एक दूसरे के साथ ना आ, आई शेडोज ब्लेंडेड से नजर आए इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये ग्लीटरी सा था लिक्विड आई शेडो थोड़ा सा जम गया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी बट ओवरऑल द प्रोडक्ट इज रियली नाइस मार्स का यहां पे मैं मस्कारा ले लूंगी आई को थोड़ा सा कर्ल कर लिया था उससे पहले आई लव मार्स का मस्कारा मुझे पसंद है शुगर का कॉन्टोर करूंगी एंड उसके बाद फिर पूरे फेस की कॉन्टोरिंग करने के बाद फिर मैं यूज करूंगी मार्स का ब्लश सेम शेड का ही क्योंकि पीच अब आपका आई शेडो नजर आ रहा है तो उसमें पिंक अगर आप ब्लश लगाओगे तो बहुत ऑड लगेगा यू नो मुंह के ऊपर इतने सारे रंग नजर आएंगे तो पीच ही आप टोन को पकड़ के चलना क्योंकि लिपस्टिक भी मेरी पीछ ही होने वाली है यहाँ पे फिर मैंने हाइलाइटर लगा लिया और ये लव अर्थ की लिपस्टिक है एकदम मस्त लिपस्टिक लगी यार वो टाइम के बाद मैंने इसका कलर मुझे बहुत अच्छी लगी और ये कलाइलिस की आई लैशेज हैं कलाइलिस की ग्लू है एवरीथिंग आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा आम सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है मेरा सूट ऑनलाइन बाय किया था और uh, साथ में एक पोटली बैग ले लिया इसके साथ ना दुपट्टा है वो भी पीच एंड ब्लैक कलर में तो उसको थोड़ा सा ना ये बैलेंस आउट कर रहा था मेरा पोटली बैग जो तुक्के से पता नहीं कैसे इसका कलर मैच कर गया नीचे मैंने एक ब्लैक कलर की फुटवेयर डाली हुई है एंड ईयर भी मुझे बहुत प्यारे लगे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय किए हुए रिंग मैंने एक ब्लैक कलर की गोल्डन डाल ली आई थिंक चार साल पुरानी होगी पता नहीं कैसे अलमारी से निकल के डाल ली यही है गाइस फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके आप मुझे जरूर बताना एंड चलो फाइनली इस सूट को बेड में डालने से पहले मैंने इसके साथ मेकअप निकाल लिया बाय बाय लव यू